बिलासपुर जिला में लगातार नशे की खेप व नशे बेचने वाले पुलिस के हाथों में पकड़े जा रहे हैं। इसी कड़ी में बीती रात सदर थाना की टीम ने कुल्लू के दो युवकों से 1 किलो 20 ग्राम चरस बरामद की। थाना बिलासपुर की समीप पुलिस ने नाके के दौरान ये सफलता हासिल की। पुलिस ने दोनों युवकों को मौके पर गिरफ्तार कर गाड़ी को जब्त कर लिया है, साथ ही मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। डीएसपी हेडक्वार्टर राजकुमार ने बताया कि सदर थाना प्रभारी भूपेंद्र सिंह की अगुवाई में देर रात एक नाका लगाया गया था। इस दौरान कुल्लू की ओर से आ रही एक जीप की चेकिंग के लिए उसे रोका गया। इस दौरान गाड़ी में बैठे दो युवक पुलिस को देखकर घबरा गए और वहां से भागने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने मौके पर संदिग्धता के आधार पर युवकों को पकड़ा। ऐसे में जीप की चेकिंग की गई तो कंडक्टर सीट के नीचे एक बैग मिला जिसमें 1 किलो 20 ग्राम चरस बरामद की गई। पुलिस ने मौके पर ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। आज सुबह के टाइम तकरीबन 1:30 बजे हमारी सदर पुलिस की टीम जो है वो चेकिंग पे थी, नाकाबंदी पे थी। जो नेशनल हाईवे है उसमें नाकाबंदी थी ठाणे के साथ ही। तो नाकाबंदी के दौरान जो है एक गाड़ी को रोका गया जिसमें मतलब पलम लोड था, पिकअप थी। तो जब रोका गया तो उसके जो उसको जो ड्राइव कर रहा था उसके साथ एक बंदा और बैठा था। तो दोनों को जब कागज़ पत्र मांगे तो वो घबरा गए। घबराए तो उसकी गाड़ी की हल्की सर्च जो अंदर ली तो इसके कंडक्टर साइड की जो सीट है पीछे वाली सीट से जो है वो एक पिट्ठू बैग बरामद हुआ जिसमें से जो है वो 1 किलो 20 ग्राम चरस बरामद हुई। तो इसके संदर्भ में जो है वो सदर थाना बिलासपुर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और दोनों जो आरोपी है उनको गिरफ्तार कर दिया गया है और फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है वो जारी है सर।